हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम गृजीश कुमार विद अ न्यू वीडियो बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश। दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 6। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर दिए गए हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पर। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई पड़े। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवेन। द गिवेन पैसेज स्पीक्स अबाउट, जो दिया गया पैसेज है ये किसके बारे में बताता है, इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन से। तो इसका आंसर दिया गया है द गिवेन पैसेज साइन ऑफ ए गुड मैनेजर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। क्वेश्चन नंबर 2, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज 1। यहाँ पर आपको बताना है कि पैसेज के अनुसार गुड मैनेजर कौन होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है हु इज़ ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज़, जो खुले विचारधारा का होता है और नई विचारधाराओं का सम्मान करता है, वो जो होता है गुड मैनेजर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 3, पीपुल मेरली डूइंग दियर जॉब्स इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में जो ये फ्रेज यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे दैट सच पीपुल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ दियर पोटेंशियल। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट, यहाँ पे पैसेज के अनुसार आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे पीपुल ऑलवेज काइंड ऑफ इवॉल्विंग बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर। यस, द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स, यहाँ पर वर्ड जो ये मोटिवेशन वर्ड आया है इसका पैसेज के अनुसार आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स, दूसरों को प्रेरित करने की क्रिया जो है वो मोटिवेशन कहलाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 6, टू बी रेस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज इन द पैसेज सजेस्ट, पैसेज में जो है रेस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज़ के लिए सजेशन कौन सा दिया गया है ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है टू शेयर विद योर पीपुल द न्यू आइडियाज़। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड इंसेंसिटिव इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट, पैसेज में ये वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे इंसेंसिटिव्स, इसके लिए आपको बताना है कि ये क्या सजेस्ट करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है एन एडिशनल पेमेंट आर एडिशनल फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, किसी भी फैक्ट्री में जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को जो अतिरिक्त रूप से जो है फैसिलिटी दी जाती है, पेमेंट दिया जाता है, उसको इंसेंटिव कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू द राइटर इज ऑलवेज, राइटर के अनुसार जो सच्चा प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होता है वो क्या है, यहाँ आपको ऑप्शन से बताना है। तो इसके लिए आंसर दिया गया है एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 9, द इनोवेटिव सजेशन आर न्यू आइडियाज फ्रॉम योर एम्प्लॉय कैन बी ऑप्टेंड व्हेन, जो इनोवेटिव सजेशंस होते हैं या न्यू आइडियाज़ होती हैं एम्प्लॉय से, वो कैसे कब प्राप्त की जाती हैं ये आपको बताना है ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। यस, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है द मोटिवेटिव सजेशन आर न्यू आइडियाज़ फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़ कैन बी ऑप्टेंड व्हेन यू मेक हिम फील दैट मैनेजमेंट डज लिसन टू हिम ऑन हर एंड पुश हिज आइडियाज़ टू वर्क,
यानी मैनेजमेंट जब किसी एम्प्लॉय की बात पर ध्यान देता है और उसको मोटिवेट करता है तो जो है उसको जो है इंसेंटिव दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए गुड मैनेजर शुड, एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो कैसे होना चाहिए, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में बी ओपन माइंडेड एंड रेस्पेक्टिव टू न्यू आइडियाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली जगह है, इस खाली जगह को आपको आप सही ऑप्शन से वर्ड चुन करके भरना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ए डैश सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, इसका आंसर दिया गया है मर्सिनरी, यानी कि वैतनिक रूप से जो सोल्जर होता है वो फाइट करता है, तो यहाँ पर ये भर दिया जाएगा मर्सिनरी, मर्सिनरी सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि पैसे के लिए जो मर्सिनरी सोल्जर होता है वो फाइट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द रोड टू हेल इज डैश दिया गया है विद गुड इंटेंशंस, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है इनग्रेव्ड, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 13, लॉज ग्राइंड द डैश एंड रिच मैन रूल द लॉ, ये एक प्रकार का ईडियम है, इसमें यहाँ खाली स्थान पर आपको ऑप्शन से सही वर्ड भरना है, तो इसका जो सही वर्ड दिया गया है पुअर दिया गया है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू डैश एन एलिफेंट, या ये भी एक प्रकार से वर्ब प्रोवर्ब ही है, इसका आंसर दिया गया है कीप अप विथ, यानी कि पालन पोषण करना निर्वहन करना इसका मतलब होता है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ ए गुड, यहाँ पे खाली स्थान में आपको ऑप्शन से सही वर्ड भरना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा PDF डिम आई है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर यस ये कहाँ पहुँच गया, यस हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यहाँ पे दिया गया आवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ ए गुड साइट, तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे मोलिनिस्ट्स क्रॉनिकल से जो है ये प्रेरित है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन हियर, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट्स बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स, स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। फ्रेंड्स, ये बात लेडी ऑफ क्राइस्ट्स की जो है ये मिल्टन पर लागू होती है, मिल्टन के लिए बात कही गई है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, क्योंकि मिल्टन देखने में महिला जैसे दिखते थे, इसीलिए लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा गया उनको, उनके बाल भी बड़े थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज ए सॉनेट रिटन बाय, ये सॉनेट किसके द्वारा लिखा गया, तो ये सॉनेट लिखा गया मिल्टन के द्वारा, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज सॉनेट रिटन बाय जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मालवोलियो, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो मालवोलियो की करेक्टर को बताता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 12th नाइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है, 12th नाइट द प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मालवोलियो। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी इज, ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप नहीं, ये किस विधा पर आधारित है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर दिया गया यहाँ पे 2। ये जो है एक प्रकार का ऑड है,
और मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये जो है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। यस, थोड़ा डाउटफुल है, आप जो है कमेंट के माध्यम से इसका सही आंसर करेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन। तो यहाँ पर मिल्टन के वर्क के बारे में पूछा जा रहा है, इसका आंसर दिया गया है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। ये जो वर्क है ये मिल्टन का है, सो करेक्ट ऑप्शन इज टू। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पर एक जो है सेंटेंस दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। रास्कल्स एंड रोक्स रैन ए रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। आर रिपीट हुआ है और आर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट रिपीट होता है मित्रों वहाँ पर एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन हियर। यस, 23 इज गिवन हियर। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवेन प्रोवर्ब। यहाँ पे एक प्रोवर्ब दी गई है, बहुत ही चर्चित प्रोवर्ब है ये, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो यहाँ पर खाली स्थान में ये आपको सेल्डम भर देना है, ये प्रोवर्ब पूरी हो जाएगी। गरजते बादल कभी बरसते नहीं के लिए जो है ये प्रोवर्ब यूज़ की जाती है, सो करेक्ट ऑप्शन इज टू। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मैनली। मैनली यानी पुरुषत्व का यहाँ पर एंटोनिम आपको बताना है, इसके लिए सही आंसर दिया गया है एफेमिनेट। ये नारित्व के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है, और मैनली जो है पुरुषत्व के लिए यूज़ किया जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज टू। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन। लाइन इज फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। और ये लाइन जो है ली गई है शेक्सपियर के द्वारा रचित जो हैमलेट है, हैमलेट के द्वारा कही गई ये बात है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, सो करेक्ट ऑप्शन इज थ्री। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, और वीडियो से आपको अगर कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।